ओम जी नमस्कार। मैं आर्य लक्ष्मी नारायण भगत और आज मैं हूँ हमारे भाई जी तेजस्वी शर्मा जी। इनका नाम मुझे लगता नहीं कि कोई जानता नहीं होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। आप योगी हैं और हमें दिख रहे हैं एडवोकेट भी हैं। चर्चा करेंगे भाई जी से। इनका दिव्यांग योग में एक रिकॉर्ड है और बहुत बड़ी बड़ी जगह इन्होंने प्रदर्शन किए हैं, तो इनसे ही जानते हैं उनके बारे में। ओम भाई जी, ओम, बहुत बहुत अपना छोटा सा धन्यवाद। नाम और अपना पहले परिचय हमें थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्यक्रम में आके। मेरा नाम तेजस्वी शर्मा है और मैं वर्तमान में जो है साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ क्रिमिनल लॉयर। जी, ये तो मैंने आज देखा है इनको लॉयर में, लेकिन मैंने योग से जानता हूँ फेसबुक पर और यूट्यूब पर। योग के विषय में बताएं आप, योग प्रदर्शन आपके मैंने काफ़ी देखे हैं। जी, योग की स्टार्टिंग तो मेरी बचपन से ही हुई थी और योग आसनों के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में मैं 2009 से आया था जी और तभी से कर रहा हूँ और अभी भी वर्तमान में करता हूँ जब भी समय मिलता है। और योग करने की ही चीज़ है, मतलब तो पूरे विश्व में इतना फेमस है और अपने शारीरिक और मानसिक स्तर को बैलेंस मेंटेन करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो योग के लिए मुझे इसलिए जाना जाता है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे चैंपियनशिप्स खेले हैं योग में जी अब आई ना उस बात और का। मैंने जो है 2011 में, 2011 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल लिया है। जी और जो इसमें जो मेन विषय है जो मुझे आप लोगों के बीच में हाईलाइट कर देता है वो ये है कि दिव्यांगों की कोई कैटेगरी नहीं है अभी तक। जी हम दिव्यांगों को भारत में हीन और जो दिव्यांग होते हैं अपने आप को हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं, लेकिन आपके विषय में बिल्कुल उल्टा है। तो जैसे कि मैंने बताया दिव्यांगों की कोई कैटेगरी नहीं है। तो 2011 में भी जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में था तो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे थे कि कहते हैं दिव्यांगों की तो इसमें कैटेगरी नहीं है, आप इसमें कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। बट मैंने बोला नहीं, देखिए हार जीत तो जीवन का एक चक्र है, वो तो चलता रहेगा, मुझे आप पार्टिसिपेट करने दीजिए, हारना तो या जीतना मेरे उसमें है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में अकेला दिव्यांग था और नॉर्मल कैटेगरी में मैंने फाइट किया और गोल्ड मेडल लिया। दिव्यांग होकर के नॉर्मल कैटेगरी में लड़े और उसमें भी फिर आपने गोल्ड लिया, जी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 2012 में मैं जी हांगकांग गया जी और वहाँ पे भी मैंने भारत के लिए गोल्ड मेडल लिया। जी और उसके बाद 2014 में मैं संघाई चाइना में गया जी और वहाँ पे भी मैंने भारत के लिए सिल्वर मेडल लिया। तो यही मेन विषय यही रहा कि दिव्यांग कैटेगरी वहाँ पे भी नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे भी चाइना में और हर जगह पूरे वर्ल्ड से जितने पार्टिसिपेंट आए थे हेल्दी पार्टिसिपेंट्स उनको मैंने जो है चैलेंज किया, टक्कर दिया और उसके बाद मैंने ये जीता है। और हमेशा से मैंने कोशिश रखी और हमेशा सरकार के सामने ये मांग रखी कि दिव्यांगों की जो है एक कैटेगरी बनाई जाए जिससे उनको मेरी तरह जो भी चैलेंजेस मैंने फेस किए, डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलेशन मैंने फेस किया सामाजिक तौर पे, उनको वो फेस ना करना दूसरे पड़े। खेलों में तो होते हैं, पैरालंपिक अभी हमने देखे काफ़ी फेमस रहे, और स्पोर्ट्स में कैटेगरी होती है, लेकिन योग में अभी वो कैटेगरीज नहीं हाँ, लेकिन अब जो है मेरी बात जो है काफ़ी लोगों तक पहुंची है। मैं बताना चाहूँगा मेरी बात तो पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज जी तक पहुँची, आचार्य बालकृष्ण जी तक पहुँची और परम आदरणीय हमारे डॉक्टर जयदीप आर्या जी तक मेरी बात पहुँची। और दोस्तों मुझे बताते बहुत खुशी है कि बहुत जल्द ही जो है आप लोगों के बीच में जो है दिव्यांगों की भी कैटेगरी आएगी। NSYF हमारा नेशनल योगासना स्पोर्ट फेडरेशन जो वर्क कर रहा है इसके ऊपर, तो बहुत ही जल्द दिव्यांग कैटेगरी लेके आएगा। तो मेरी बात इतने आदरणीय और महान पुरुषों तक पहुंची है तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि डेफिनेटली जो है अब दिव्यांगों के साथ इस तरह का जो है ह्यूमिलेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नहीं उन्हें उनके अधिकारों के हिसाब से खेलने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद करता एन हूँ। वाई एस एफ की ओर से, नेशनल योगा एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से ये तैयारी चल रही है कि दिव्यांग के लिए भी कैटेगरी बनाई जाए, उनको आने वाले जो ओलंपिक हैं पैरालंपिक हैं उनमें हिस्सा दिलाया जाए, पार्टिसिपेट कराया जाए और उसको वहाँ पर प्लेसमेंट हो और भारत का नाम हो। मैं जानना चाहता हूँ आपको योग की प्रेरणा कैसे मिली? योग की प्रेरणा मैं कहूँगा कि मतलब मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं योग से नहीं जुड़ा, योग मुझसे जुड़ा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं छोटा था बचपन में, जब मुझे पोलियो हो गया तो मेरे पिताजी मुझे दिल्ली लेके आए, मेरा ऑपरेशन कराया और फिर मेरे पिताजी को डॉक्टर्स ने सलाह दी कि आप अपने बच्चे को जो है योग कराएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं क्योंकि इनको पोलियो है पैर में 69%। अब हम इनके लिए जितना कर सकते थे हमने किया, तो आप जब इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ और योग इस तरह की क्रियाएं कराएंगे तो आने वाले समय में जब ये बड़े होंगे तो इनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट रहेगा। तो वहीं से मेरी योग की स्टार्टिंग हुई और पिताजी ने ही कराना स्टार्ट किया।
और वहां से फिर जब मैं थोड़ा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया तो मैंने फिर 5 साल की उम्र के बाद खुद ही करना स्टार्ट कर दिया। जी और उसके बाद फिर मैंने स्कूल लेवल पे 9th क्लास में योगासन स्पोर्ट्स से मैं जैसे जुड़ा और योगा चैंपियनशिप के क्षेत्र में आया। तो इस तरीके से मेरी जो है योग की जर्नी अपने आप चलती रही। कुछ फ़ायदा लगा, क्या फ़ायदे होते हैं योग से, आपको क्या बेनिफिट हुआ योग से? हाँ डेफिनेटली, देखिए योग का मतलब जो लोग समझते हैं कि केवल आसन ही होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि योग का काम है जोड़। और जोड़ का मतलब मैं ये समझता हूँ कि अष्टांग योग में देखिए यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार की चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इन्हीं सब का जोड़ योग बनता है। तो केवल आसन ही योग नहीं है। तो मैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, सूर्य नमस्कार हो गया या आसन हो गया, ये जो हम करते हैं तो इनका डेफिनेटली हमारी बॉडी पर फायदा होता है। बट यम नियम की भी मैंने बात की, जैसे सत्य अहिंसा विग्रह अस्त्य, तो इस तरह से झूठ ना बोलना सच बोलना, तो इनसे आपको एक मन जो है सुखद अनुभव होता है। ठीक है, स्वाध्याय भी हमारे योग में आता है, खुद का मनन करना चिंतन करना। तो योग में जो मैंने जो भी अपना अचीवमेंट मेरा रहा हो, लेकिन साथ में साथ मुझे पढ़ने की भी जो प्रेरणा कि नहीं जीवन में पढ़ना है, लोगों के अधिकारों के लिए पढ़ना है, ये आत्मबल भी योग देता है। ठीक है, एक विल पावर योग डेवलप करता है, उसमें पॉजिटिविटी लेके आता है कि नकारात्मकता को छोड़ के सकारात्मकता की तरफ कैसे आना है, वो योग ने ही मुझे दिया है। तो जब हम गुरुओं की वाणी सुनते हैं, जब हम योग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने कर्मों को हम जब देखते हैं और उसके बाद जब हम इस पर काम करते हैं, ये भी एक योग है, केवल आसन ही नहीं है। तो आसनों से तो बिल्कुल डेफिनेटली मेरा इतना बेनिफिट हुआ है, अगर आप मेरे आसन देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि एक दिव्यांग कैसे इस तरीके के जो है कठिन आसन कर रहा है। स्क्रीन पे भी दिखाएंगे आपके आसन, बहुत तगड़े तगड़े आसन। मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि मुझे पूरे वर्ल्ड में मोस्ट फ्लेक्सिबल हैंडीकैप योगा चैंपियन का खिताब मिल चुका है। तो कैसे एक दिव्यांग जो है वो इस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि जो हमारा बॉडी है उसका संतुलन बनाना भी है। तो योग के मेरे शारीरिक फायदे भी हुए हैं, मानसिक फायदे हुए हैं। और गीता में तो एक प्रसंग आता है, योग कर्म सुकौशलम, कार में कुशलता ही योग है। तो मैं जो भी दे रहा हूँ, आज मैं एडवोकेट हूँ या फिर मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जर्मन ऑनर्स किया या मैंने पीजी डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ किया, तो जो भी क्षेत्र मेरा रहा हो, योग का रहा हो या पढ़ाई का रहा हो, उसमें मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो ये भी ये योग सिखाता है कि कार्य में जो है कुशलता रहे। तो ये मैं कुशलता कोशिश करता हूँ। और कोई भी क्षेत्र हो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, चाहे अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, पीसीएस बनना चाहते हो, या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जा रहा है, मानसिक स्तर पर बहुत जूझ रहे हैं, उनको भी योग से जुड़ना चाहिए। और फिर उनके लिए बहुत आसान लगेगा, ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत टफ लगते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है कि उनको बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आता है। तो ये कुशलता दिखनी चाहिए। तो ये योग ही सिखाता है, केवल आसन ही योग नहीं है, ये योग पूरा शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बता रहे हैं फायदा होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये है हमारे साथ भाई तेजस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। ओम ओम।